नमस्कार दोस्तों, मैं चरणजीत अरोड़ा अपने इस चैनल हायर मैथमेटिक्स बाई चरणजीत अरोड़ा पर स्वागत करता हूं आपका। क्लास ट्वेल्थ का मैथमेटिक्स, उस पर बेस्ड टॉपिक्स। आजकल मैट्रिसेस पर चर्चा चल रही है, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। लास्ट टाइम एडिशन के मल्टीप्लीकेशन विद स्केलर, इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स हमने शेयर की थी आपके साथ। आइए आज डिस्कशन करने जा रहा हूँ दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस को मल्टीप्लीकेशन हम किस तरह से करते हैं। आइए मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस सीखते हैं आज। तो दो मैट्रिसेस का अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करना चाहता हूँ तो लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, देन द प्रोडक्ट ए बी इज डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ रोज इन बी आर इक्वल। यानी एडिशन देखिए पीछे हमने सीखा था, सब्ट्रैक्शन हमने सीखा था, उसके अंदर तो हमने बोला था कि दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा तभी वो एड या सब्ट्रैक्ट हो पाएगी। लेकिन यहां कहा जा रहा है कि दो मैट्रिसेस को अगर आप मल्टीप्लीकेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले यहां भी चेक करना पड़ेगा कि उनका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल भी है कि नहीं है। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको ए इंटू बी कैलकुलेट करना है तो ए इज द फर्स्ट मैट्रिक्स, बी इज द सेकेंड मैट्रिक्स। तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके तो नंबर ऑफ कॉलम्स और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज आपस में अगर इक्वल होंगे तभी हम उनका मल्टीप्लीकेशन कर पाएंगे, अदरवाइज हम बोलेंगे मल्टीप्लीकेशन इज नॉट पॉसिबल। इज इट फाइन? तो ये स्टार्ट करते हैं कि मल्टीप्लीकेशन पहले तो पॉसिबल किस तरह से होगा। मान लीजिए ए मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स मेरे पास ए आई जे और ऑर्डर उस मैट्रिक्स का एम इन टू एन। सेकेंड मैट्रिक्स बी, उसके एलिमेंट्स को चलिए मैंने लिखा बी जे के और इसका ऑर्डर मैंने लिखा सम एन इन टू पी। ठीक है, तो मेरा इरादा है कि मैं ए बी निकालूं, यानी ए को बी से मल्टीप्लाई करूं। और ध्यान रखना आपने इस बात का कि ए इंटू बी का मतलब ए इंटू बी, बी इंटू ए नहीं कर लेना। ठीक है, दैट इज नॉट इक्वल, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहां लागू नहीं होती, अप्लाई नहीं होती, ये एप्लीकेबल नहीं है। राइट, तो ए का ऑर्डर एम इंटू एन, यानी ए के नंबर ऑफ कॉलम्स एन, और बी पर आ जाइए उसके नंबर ऑफ रोज दे आर एन। तो अब आप अगर ए इंटू बी निकालना चाहते हैं तो देन ए इंटू बी इज डिफाइंड, यानी आपने बोला नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए कितना दे आर एन एंड द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी दैट इज ऑल्सो एन। यहां देख रहे हैं आप, तो तब आप बोल सकते हैं ए इंटू बी इज डिफाइंड। चलिए, सबसे पहले तो हमने पता लगाया कि ए और बी का मल्टीप्लीकेशन हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। चलिए जी, पहले तो ये चेक करना है। अब अगर उनका मल्टीप्लीकेशन हो सकता है तो फिर क्या कहते हैं जी? तो कहते हैं ए इंटू बी का अगर आप करते हैं तो मेरे पास एक नई मैट्रिक्स सी आती है और उस सी के जो एलिमेंट्स होंगे वो ये आई देख रहे हैं जे, ये जे के, जब आई जे एथ एलिमेंट का जे के एथ एलिमेंट से करेंगे तो एक नया एलिमेंट मल्टीप्लीकेशन के बाद हमारे पास सी नाम की मैट्रिक्स के अंदर सी
ikth एलिमेंट बनेगा और वो सारे के सारे एलिमेंट्स आप लिखते चले जाएंगे, और उसके बाद जो नई मैट्रिक्स मेरे पास सी आई है उसका ऑर्डर कितना होगा, ये जो n है, ये जो n n को छोड़ दीजिए, m into p होगा, ऑर्डर विल बी m into p, ठीक है। अब बात आई कि ये जो सी आई के एलिमेंट मेरे पास आया, ये सी आई के एलिमेंट किस तरह से आया, आपने कहा दिस सी आई के एलिमेंट इज ए आई जे और बी जे के एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन, और उन सब का समिशन करने के बाद आया। अब बात आई, ये आपके पास आई के एलिमेंट जो आए, इनमें आई की वैल्यू जो है वो तो वन से लेकर एम तक है, और जो जे के का वैल्यू है दैट इज फ्रॉम वन टू पी, ठीक है। तो आपके पास आई वेरीज फ्रॉम वन टू एम और के जो है दैट वेरीज फ्रॉम वन टू पी, ये तो हुई डेफिनेशन। अब बात आती है कि इसको एक्चुअल में मल्टीप्लीकेशन हम किस तरह से कर रहे हैं, आइए उसे सीखते हैं। ये दो मैट्रिसेस हैं मेरे पास, मुझे बोला गया इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आप करके दिखाइए। तो मल्टीप्लीकेशन करने में मैंने आपको सबसे पहली चीज बताई कि उन दोनों के ऑर्डर को देखकर, आप देख रहे हैं दोनों की दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, 2x2 साइज की हैं, यानी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। स्क्वायर मैट्रिसेस के मल्टीप्लीकेशन के बारे में आप बोलिए कि उनका मल्टीप्लीकेशन ऑलवेज हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है, उसको चेक करने की मुझे जरूरत नहीं है ऑर्डर को, बिकॉज दे आर स्क्वायर मैट्रिसेस। अब स्क्वायर मैट्रिसेस है तो आइए देखिए हम इसको ए इंटू बी किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। 1, 2, -1, 3 मल्टीप्लाई विद 0, 5, 1, -2। अब जब मुझे इसको मल्टीप्लीकेशन करना है तो रो को कॉलम से करना है, फर्स्ट रो को लीजिए, दोनों कॉलम से कीजिए, 1 को कीजिए 0 से 0, फिर -1 को कीजिए 5 से -5, यानी इस 1 को लिया 0 से किया और -1 को लिया 5 से किया, यानी रो में आगे बढ़ना है, कॉलम में नीचे उतरना है। तो मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया, अब इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से भी कीजिए, 1 को 1 से 1, -1 को -2 से +2, करेक्ट। अब ये तो फर्स्ट रो की मैंने दोनों कॉलम से कर ली और ये दो एलिमेंट्स मैंने लिख दिए इस तरह से। अब सेकंड रो को लीजिए, फर्स्ट कॉलम से कीजिए 0 और +15, फर्स्ट रो सेकंड रो को लीजिए, सेकंड कॉलम से कीजिए, ये आपके पास आ जाएगा 2 एंड देन -6, व्हाट वी गेट, मेरे पास आ गया -1, 3, 15 and -4, -5, 15, 3 and -4। ये तो मैंने a into b निकाल लिया, अब जरा b into a भी निकाल के देखूं, चलिए b into a भी ट्राई करते हैं हम लोग। b into a अगर आप ट्राई करेंगे तो b into a mean b is the first matrix 0, 5, 1, -2 and 1, 2, -1, 3। अब सिंपल मल्टीप्लीकेशन इसको भी उसी तरीके से, फर्स्ट रो को लीजिए, दोनों कॉलम से कीजिए, पहले फर्स्ट से कीजिए फिर सेकंड से कीजिए, 0 को 1 से करेंगे 0 और 1 को इस 2 से करेंगे दैट इज 2, 0 को 1 से 0 यानी यहां आगे बढ़ना है यहां नीचे उतरना है, 0 को -1 से 0 और 1 को 3 से 3। तो मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से दोनों से कर लिया,
जीरो टू और जीरो थ्री। अब सेकेंड रो को लीजिए, फर्स्ट कॉलम से कीजिए, दैट इज फाइव एंड देन माइनस फोर। फिर इसी सेकेंड रो को उस सेकेंड कॉलम से भी कीजिए, दैट इज माइनस फाइव एंड माइनस सिक्स। कितना आया मेरे पास, दिस इज टू वन थ्री एंड माइनस अलेवन, आई थिंक टू वन थ्री एंड माइनस अलेवन। अब देखिए क्या ये इक्वल दिखाई दे रहे हैं आपको, आपने क्या बोलो नहीं जी, हेयर ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। तो एक बात यहां प्रूव भी हो गई, एक प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वो सेटिस्फाई नहीं करता है, करेक्ट। आइए और मल्टीप्लीकेशन देखते हैं, एक मल्टीप्लीकेशन ये, अभी पिछला जो एग्जांपल आपने किया उसके अंदर मेरे पास दो मैट्रिसेस थी लेकिन दोनों स्क्वायर थे, कोई चेकिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे, मैंने जल्दी से उनका मल्टीप्लीकेशन किया क्योंकि मुझे मालूम है कि इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस मल्टीप्लीकेशन इज ऑलवेज पॉसिबल। इन दिस केस ऑर्डर देखिए, टू रोज थ्री कॉलम्स, टू इंटू थ्री, एंड इन दिस केस थ्री रोज टू कॉलम्स। अब चेक करना है मुझे कि मल्टीप्लीकेशन हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। अगर मुझे ए इंटू बी निकालना है तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, सेम है तो, ए के नंबर ऑफ कॉलम्स थ्री और बी के नंबर ऑफ रोज थ्री, ए बी इज डिफाइंड, यानी ए और बी को मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं, कर सकते हैं तो कीजिए, टू जीरो माइनस वन वन थ्री फोर एंड वन जीरो टू वन माइनस थ्री फाइव। आइए मल्टीप्लीकेशन करते हैं, थोड़ा सा ध्यान भी रखना है, फर्स्ट रो को लेना है, दोनों कॉलम से करना है, टू को इस वन से दैट इज टू, माइनस वन को इस टू से माइनस टू, थ्री विद माइनस थ्री माइनस नाइन, इज इट फाइन। अब इसी फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, इस टू को इस जीरो से जीरो, माइनस वन को वन से माइनस वन, थ्री को इस फाइव से दैट इज फिफ्टीन, बीच में प्लस भी लगाते चले जाना है मुझे। तो मैंने फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लीकेशन किया, वो मेरे पास हो गया। अब आइए हम लेते हैं सेकेंड रो को, उसको भी दोनों कॉलम से करते हैं, जीरो विद वन जीरो, वन विद टू टू, फोर विद माइनस थ्री माइनस ट्वेल्व, करेक्ट। और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करें, दैट इज जीरो, वन विद वन वन, फोर विद फाइव ट्वेंटी। देख सकते हैं आपके पास कितना आया, दैट इज माइनस नाइन हेयर, ये आना चाहिए फोर्टीन, ये आना चाहिए माइनस का टेन, और दिस इज प्लस 21, करेक्ट। अब यहां पर एक चीज और देखें, ए का ऑर्डर था 2 इंटू थ्री, बी का ऑर्डर 3 इंटू टू, अब जब दोनों का मल्टीप्लीकेशन हुआ तो ये जो थ्री चीज, थ्री जो कॉमन थे इन्हें छोड़िए, फाइनल ऑर्डर दिस इंटू दिस आता है जी, देख रहे हैं फाइनल ऑर्डर इज 2 इंटू टू। तो आपने ए इंटू बी कैलकुलेट करके देखा, फाइंड आउट किया। अब अगर मैं इसमें b इंटू ए भी निकालने की कोशिश करूं, अब b इंटू ए निकालते हैं, उसके लिए भी मुझे चेक करना है कि क्या b इंटू ए पॉसिबल है कि नहीं है। आइए देख, अब b इंटू ए निकालने जा रहे हैं तो b इज द फर्स्ट मैट्रिक्स, a इज द सेकेंड मैट्रिक्स, थ्री रोज टू कॉलम्स एंड टू रोज थ्री कॉलम्स। B इज द फर्स्ट मैट्रिक्स,
फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज सेम होने चाहिए। आपने कहा जी यस, है जी। तो आप कहेंगे b into a is defined, तो b into a define हो सकता है, तो आपसे बोला कि define है तो find कीजिए, तो लीजिए find out करते हैं b into a 1021 -3 5, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है विद 2 0 -1 1 3 4 के साथ, करेक्ट। तो देखिए जी, फर्स्ट रो को लेना है मुझे, फर्स्ट कॉलम से करना है, सेकंड से करना है, फिर थर्ड से करना है, 1 को 2 से 2, 0 को 0 से, वो 0 आ जाएगा, करेक्ट। फिर 1 को इस -1 से -1, वो दूसरा 0 आ जाएगा, 1 को इस 3 से, दैट इज 3, वो 0 आ जाएगा, 2 with 2, दैट इज 4, 1 को विद 0, 0 हो गया, 2 with -2, दैट इज -2, एंड 1 with 1 +1, 2 with 3, दैट इज 6 + 4, करेक्ट। एंड फाइनली -3 with 2, दैट इज -6, 5 with 0, -3 with -1 +3 +5, एंड देन -9 + 20, परफेक्ट, राइट। तो क्या आ गया मेरे पास, आ गया 2 -1 3 4 -1 10 -6 8 and 11, करेक्ट। 2 4 -6 -1 -1 8 3 10 and 11, क्या इसके इक्वल आ गया? आपने कहा नहीं जी, ऑर्डर ही डिफरेंट है, इक्वल कैसे आ सकता है, ठीक है। तो इससे आपको एक और पता लग गई बात कि a into b is not equals to b into a, ये प्रॉपर्टी भी मेरी पता लग गई मुझे, यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कशन करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। इन प्रॉपर्टीज में सबसे पहला प्रॉपर्टी मेरे पास आ रहा है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। मीनिंग समझना, आपके पास लेट ए एंड सॉरी तीन मैट्रिक्स लेना, ए बी एंड सी आर 3 मैट्रिसेस, ए बी एंड सी आर 3 मैट्रिसेस ऑफ suitable order। अब suitable order का meaning है कि इस तरह की order होना चाहिए कि उनको add भी किया जा सके और multiplication भी possible हो, correct। Then A into B plus C, अब देख रहे हैं B plus C अगर करना होगा तो B और C का ऑर्डर सेम होना चाहिए, उसके बाद उसका A के साथ मल्टीप्लीकेशन हो सके, इज इक्वल टू A into B plus A into C, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, करेक्ट। और दूसरी तरह से भी इसको लिख सकते हैं, A plus B into C will be equal to A into C plus B into C,
करेक्ट। तो इसे हम कहते हैं मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। एडिशन भी है मल्टीप्लीकेशन भी है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। नेक्स्ट थिंग, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव। यहां भी यही तीन मैट्रिसेस चलने दीजिए। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सिंपल ए इंटू बी इंटू सी कर लो, या ए इंटू बी पहले बाद में सी कर। तो दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव, करेक्ट। तो इसको ज्यादा डिटेल में नहीं बात करते हुए आप इसको इतना ही रहने देते हैं। तो आइए कुछ प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं, या कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं, सॉरी अभी कुछ और प्रॉपर्टीज भी मेरे सामने हैं। एक और प्रॉपर्टी थर्ड, ए एंड बी आर ऑफ सूटेबल मैट्रिसेस एंड लैम्डा इज ए स्केलर, एक कांस्टेंट है। तो आपसे बोला गया कि ए और बी को मल्टीप्लाई करो और उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लो, या ऐसा कहता है कि कांस्टेंट से पहले ए को मल्टीप्लाई करो और फिर उसके साथ मैट्रिक्स बी का मल्टीप्लाई कर लो। ये थर्ड थिंग, मैट्रिक्स ए को और कांस्टेंट इनटू बी को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, ऑल द थ्री थिंग्स आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट वन, इफ ए इज एम इन टू एन मैट्रिक्स, ए आपके पास एक मैट्रिक्स है और उसको आपने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर ए एम है उससे मल्टीप्लीकेशन किया, लेकिन प्री मल्टीप्लीकेशन किया, और उसी मैट्रिक्स ए का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ साइज एन उसका पोस्ट मल्टीप्लीकेशन किया, तो आपके पास ए ही आता है। भी जिस तरीके से वन से मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर को तो वही सेम थिंग आ जाती है, तो उसी तरीके से मैट्रिसेस में भी मानिए कि दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज वन फॉर मैट्रिसेस, मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो वन से आप मल्टीप्लीकेशन करें, लेकिन एक बात को ध्यान रखें कि दिस इज द पोस्ट मल्टीप्लीकेशन, यानी मैट्रिक्स ए से पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करना दैट इज द पोस्ट मल्टीप्लीकेशन, बाद में मल्टीप्लीकेशन करना पहले, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, पहले मल्टीप्लीकेशन करना प्री मल्टीप्लीकेशन, बाद में मल्टीप्लीकेशन करना पोस्ट मल्टीप्लीकेशन, लेकिन वी गॉट द सेम मैट्रिक्स वंस अगेन। अब यहां पर ये आई एम और आई एन क्या है, दीज आर द यूनिट मैट्रिसेस ऑफ एम इन टू एम और एन इन टू एन रेस्पेक्टिवली, करेक्ट। और आगे बढ़ते हैं, अब बात हो रही है पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई एक मैट्रिक्स है और वो स्क्वायर मैट्रिक्स है इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, समझते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसका मतलब होता है द सेम नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, जैसे आई एम लिखा था मैंने n into n, m into m, उसी तरीके से स्क्वायर मैट्रिक्स 2 into 2, 3 into 3, 4 into 4, right? तो a मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो यहां पर अगर a की पावर 1 है तो वो समझो a है। इसी तरीके से अगर मैं a की पावर 2 निकालूं तो उसका मतलब है a को आप a से मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, और इसी तरीके से a 3 अगर आपने निकालना है तो उसमें भी ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और इसी तरीके से आगे आगे बढ़ना है। मान लीजिए ए टू द पावर एम आपने लेना है तो ए टू द पावर एम माइनस वन ऑर्डर की पावर की मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो आपके पास पावर ऑफ मैट्रिसेस आता चला जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना आपने कि अगर ए आपके पास है 1, 2, 3, 4, तो ए का स्क्वायर अगर आपने निकालना है तो ए को दो बार मल्टीप्लाई करना, 1, 2, 3, 4 एंड 1, 2, 3, 4, टू टाइम्स मल्टीप्लीकेशन। ऐसा नहीं करने लग जाना कि आपने ए का स्क्वायर का मतलब वो सारे एलिमेंट्स का स्क्वायर कर लें, 1, 4, 9, 16, ना 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 ना, ये नहीं, दिस इज रॉन्ग। ए स्क्वायर मीन ए इंटू ए, ए को ए के साथ
मल्टीप्लीकेशन आप कर लीजिए, दैट इज ए स्क्वायर, करेक्ट। आइए एक चीज और सीखते हैं और वो है मैट्रिक्स पॉलीनोमियल। अब पॉलीनोमियल तो आप जानते हैं, मान लीजिए मैंने एक पॉलीनोमियल एफ एक्स कंसिडर कर लिया, ठीक है, ए नॉट एक्स टू द पावर एन, फिर ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, और इसी तरीके से ए एम माइनस वन एक्स टू द पावर वन, एक्स टू द पावर वन, और फाइनली ए एम, करेक्ट। तो ये आपके पास देखिए एक्स की पावर एन से स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे पावर कम होती चली गई और लास्ट में जाकर के एक कांस्टेंट आ गया, बी ए पॉलीनोमियल। ठीक है, ये मेरे पास एक पॉलीनोमियल है लेकिन इन एक्स, इन टर्म्स ऑफ एक्स मेरे पास है, एंड ए इज ए मैट्रिक्स, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, बल्कि ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सम ऑर्डर, ऑर्डर एन बोल देता हूं, ऑफ ऑर्डर एन। अब मुझे क्या करना है? देन अगर मुझे एफ ए कैलकुलेट करना है तो इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि आप एक्स के प्लेस पर ए पुट कर दीजिए। एक्स आपके पास एक वेरिएबल है लेकिन जब आप उसके प्लेस पर ए पुट कर देंगे तो ये ए टू द पावर एन हो जाएगा, यानी उस मैट्रिक्स को पावर एन कर लीजिए। तो पावर के टर्म में उसे आप एक्सप्रेस कर दीजिए। तो आपने कहा देन एफ ए इज नथिंग बट ए नॉट ए टू द पावर एन प्लस ए वन ए टू द पावर एन माइनस वन प्लस सो ऑन अप टू ए एम माइनस वन। ये जो ए नॉट ए वन, दीज आर द कॉन्स्टेंट्स, और ए आपके पास आ जाएगा, एक्स का पावर वन है तो ए आ गया उसके पास, और प्लस ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए एम, ए एम आपके पास कॉन्स्टेंट है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप यहां पर ले लीजिए, यानी कांस्टेंट को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर, जो वेरिएट है उसकी जगह पर तो आप ए पुट कर दीजिए और कांस्टेंट के साथ आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। आइए एक एग्जांपल लेकर के इसको देखते हैं। मान लीजिए एफ एक्स मेरे पास एक पॉलीनोमियल मैंने ले लिया विच इज 2x² प्लस 3x प्लस 7, तो इसके लिए मुझे अगर एफ ए निकालना पड़े तो वो मेरे पास हो जाएगा 2a² प्लस 3a प्लस 7i, सिंपल। तो दिस इज द पॉलीनोमियल इन टर्म्स ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स पॉलीनोमियल जिसे हम बोल सकते हैं। इज इट फाइन? फाइनली एक क्वेश्चन भी हम डिस्कस करते हैं आपके साथ। यहां मुझे बोला गया सॉल्व दिस, इवेल्युएट दिस। अब इवेल्युएट में आप देख रहे हैं मल्टीप्लीकेशन है और बीच में एक एडिशन भी है। इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई कीजिए और देन ऐड देम। चलिए करते हैं, ए को सी से, ए सी यानी ये रो इस कॉलम से कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन, और प्लस आ जाएगा बी डी, बस सिंपल, ये तो ऐसे हो गया। प्लस इसी तरीके से इस रो को इस कॉलम से करेंगे तो मेरे पास आएगा ए स्क्वायर, दूसरे सेकंड एलिमेंट को नीचे उतरेंगे तो बी स्क्वायर, देन सी स्क्वायर और प्लस डी स्क्वायर। बड़ा सिंपल तो हो गया। अब सिंपल, ये भी एक मैट्रिक्स है, दिस इज ऑल्सो ए मैट्रिक्स, इसमें वन रो है और वन ही कॉलम है, ये भी आपके पास वन रो वन कॉलम, इनको सीधा सीधा ऐड कर दीजिए। व्हाट वी गेट,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी डी, इज इट फाइन। तो ये हमने आज की इस क्लास में हमने क्या सीख लिया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमने सीख लिया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हमने सीख ली। तो ये बेसिक थिंग है मल्टीप्लिकेशन, अच्छे से आप इसको करना सीखें। तो इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू वेरी मच।